हेलो हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड, इस पर हैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग देखिए जल्दी से, और एक स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लीजिए क्योंकि मैं बोर्ड पर ये लिखूंगा नहीं बार बार, तो आप लोग जरूर इसको देखिए। और इस तरफ है एक और क्वेश्चन, तो टोटल इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 2 पॉइंट चार्जेस 8q एंड -2q, ठीक है। तो आप लोग देखिए किस तरह से क्वेश्चन होगा, 2 पॉइंट चार्जेस 8q एंड -2q। तो एक है चार्ज इस पॉइंट पर 8q और दूसरा है -2q, 8q एंड -2q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू जीरो, आर लोकेटेड एट x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू l। तो सपोज कीजिए ये है आप लोगों का इस पॉइंट पर x इक्वल टू जीरो और ये है x इक्वल टू l, विच मीन्स ये आप लोग x एक्सिस कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पर x के लिए जीरो है और इस पॉइंट पर x के लिए l, बट इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है l रिस्पेक्टिवली। द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस इज जीरो। हम लोगों को ऐसा पॉइंट पता करना है, लोकेशन जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, नेट वैल्यू ऑफ ई जीरो आए, ऐसा पॉइंट पता करना है। तो बेसिक इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने माइंड पर एक बात रखनी है कि 8q और -2q ये चार्जेस की पोलैरिटी सबसे पहले देखें, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा, ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या तो आपको इस चार्ज के इस तरफ मिलेगा या -2 के इस साइड मिलेगा, ठीक है। या तो 8q के इस तरफ मिलेगा या तो -2q के इस तरफ मिलेगा, सेंटर पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अब बात यह है कि क्यों सेंटर पर क्यों ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो आप लोग देखिए, अगर मैं इस 8q की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करूं सेंटर पर, तो वो होगी इस तरफ, और माइनस की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करूं तो वो भी होगी इसी तरफ। तो हो क्या रहा है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो इस करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी सेंटर पर जीरो नहीं होगी। आप लोगों को या तो राइट साइड मिलेगा या लेफ्ट साइड। तो मैं इस साइड जाकर कोई पॉइंट कंसीडर करूंगा, तो सपोज कीजिए ये है वो मेरा पॉइंट जो इस -2q से x डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। इस साइड क्यों लिया, क्योंकि 8q की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो ऑपोजिट है दोनों। और ऐसा पॉइंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल भी हो, ऐसा पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल भी हो और ऑपोजिट भी हो, उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। तो सपोज कीजिए वो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट एट अ डिस्टेंस x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 8q की वजह से इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट को p ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k सोर्स चार्ज जो है 8q ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक l और उसके आगे x, तो बन गया l प्लस x स्क्वायर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीरो, तो व्हाट इट मींस कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गई तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी इस पॉइंट पर, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी -2q के, वो इक्वेट कर देंगे इसके इक्वल, तो वो आएगा 8 2q ओवर एक्स क्या। तो आप लोग जल्दी से देखिए, के से के कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, और 2 से 8 दैट इज 4, इसको इस तरफ ले जाए 4x² इज इक्वल टू एल प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन गया स्क्वायर, इस तरफ ले जाओ तो ये अंडर रूट आएगा और ये बन गया आप लोगों का 2x इज इक्वल टू एल प्लस एक्स, ठीक है जी। तो आप लोग क्या करें, x को इस तरफ लेकर आ जाए, तो x की वैल्यू क्या आएगी इससे, दैट इज x इज इक्वल टू एल,
क्योंकि ये x इस तरफ आएगा तो 2x माइनस x इक्वल टू l और x की वैल्यू l. व्हाट इट मींस कि x की वैल्यू भी l ही होगी. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि x एक्सिस पर कितनी दूर वो पॉइंट होगा. तो आंसर होगा x एक्सिस पर वो पॉइंट होगा 8q चार्ज से l प्लस l दैट इज 2l डिस्टेंस पर. तो 2L डिस्टेंस पर हम लोगों को पॉइंट P मिलेगा जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. जो मेन इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आउटसाइड या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड ही आप लोगों की जीरो होगी, सेंटर पर नहीं होगी. जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहाँ पर आप लोग दोनों को इक्वेट कीजिए क्योंकि वहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो आप लोगों को आई होप क्वेश्चन ये क्लियर हुआ होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लोग देखें, रीड कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन अ, स्क्रीनशॉट जरूर आप लोग क्लिक करें, फिर से करो. ए चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 3×10⁴ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही यूनिट है. तो सपोज कीजिए 3×10⁴ वोल्ट मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये मैं बना देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो सारी लाइंस पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड है और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये. ठीक है, सो दैट इट नाइदर फॉल्स नोर राइजेस. तो हो कह रहा है कोई चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड. तो ये मेरी कोई चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप आई. अब ये ऊपर से जब नीचे आएगी, चार्ज्ड है, सपोज कीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और वो फोर्स होगी QE. ठीक है, वो होगी QE. लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है सो दैट इट नाइदर फॉल्स नॉर राइजेस. तो ना तो ये इससे नीचे गिर रही है ना ये राइज कर रही है. तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी इसके वेट की वजह से mg, वो और ये QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इक्वल होंगी. तो आप लोग इक्वेट करें दैट इज QE इज इक्वल टू mg. और आप लोगों को बोला गया है द चार्ज ऑन द ड्रॉप इज, चार्ज पता करना है. तो Q की वैल्यू पता करने के लिए Q इज इक्वल टू mg ओवर E. सो Q मास, क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन है, ये देखिए मास ऑफ चार्ज 9.9×10⁻¹. मास की जगह डालिए 9.9×10⁻¹. जी की वैल्यू आप लोग 10 ले लें. ठीक है, जी की वैल्यू 10 और ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये गिवन था दैट इज 3×10⁴. तो 9.9 इज आल्सो इक्वल टू 10. तो इसको 10 ही मानिए तो ये बन गया आपका 10⁻¹. एक प्लस और ये भी 10 के इक्वल, तो एक और ये माइनस फोर बन जाएगा ऊपर जाकर और डिवाइड बाई 3. तो Q की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो Q की वैल्यू मिलेगी 1/3×10⁻¹. देखिए यह 15 और 4 19 से 2 माइनस कीजिए -17 और Q इज इक्वल टू 0.33×10⁻¹. और थोड़ा सा मैथ लगेगा तो ये बन जाएगा 3.3×10⁻¹. और चार्ज की यूनिट कूलम. तो इतना आप लोगों का आंसर आएगा. मेन जो इस पे कंसेप्ट ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऊपर से ये ऑयल की जो ड्रॉप है, ये ऑयल की ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप, ये ना तो राइज कर रही थी ना ये फॉल कर रही थी. तो इट मींस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस फिर से लग रही होगी. तो इस तरफ फोर्स लगी दैट इज QE, ये फोर्स जो लगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये था mg जो इसकी मास की वजह से फोर्स लगी. देन है हम लोगों का नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन जो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है. ये सारे क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर्स जेई के, उससे क्वेश्चंस हैं. तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए अच्छे से और
चैप्टर हम लोगों ने अभी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक चलाया है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग अपनी तरफ से कीजिए और ट्राई कीजिए कि पूरे चैप्टर से आप लोग 100+ मिनिमम 100+ न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करें। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई। तो दो स्फेरिकल कंडक्टर्स लीजिए, ये है मेरा एक बी और ये है मेरा स्फेरिकल कंडक्टर सी, दोनों का रेडियस इक्वल है। कैन इक्वल चार्जेस ऑन देम रिपेल ईच अदर, अगर चार्ज इक्वल है तो रिपेल ही करेंगे, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ फोर्स एफ, जो फोर्स इसने लगाई दैट इज एफ। व्हेन केप्ट अपार्ट ए थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियाई एज दैट बी बट अनचार्ज इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विद बी। तो हम लोगों ने क्या किया, एक और मेरे पास सपोज कीजिए ए एक कंडक्ट स्फेयर है सेम रेडियाई का, उसको मैं लेकर आया, पहले इससे टच करवाया, फिर उसको सी से टच करवाया, अनचार्ज इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विद बी देन इन कॉन्टैक्ट विद सी, और फिर उसको सी से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट करवाया, फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ द एंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी इज। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो मेरे पास स्फीयर है बी और सी और इन दोनों की इक्वल रेडियाई है, इक्वल चार्ज है, तो इस करके दोनों रिपेल करेंगे विद फोर्स एफ। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि अगर मैं एक और कंडक्टर लेकर आया सेम रेडियाई का, सेम रेडियाई मीन्स सेम वो चार्ज स्टोर करेगा, तो इस करके क्या होगा कि अगर मैं ए को बी से टच करवाना है, क्वेश्चन में गिवन है, फिर उसी ए को सी से टच करवाना है, और फिर इनकी फोर्स क्या बनेगी। तो सपोज कीजिए कि बी के पास चार्ज है क्यू, ये बी है इसके पास है चार्ज क्यू, और सी के पास भी चार्ज होगा क्यू। अब मैं ए को जैसे ही इससे टच करवाऊंगा, ए को जैसे ही टच करवाऊंगा, इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, इस करके चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज कीजिए अगर Q की वैल्यू 10 थी तो 10 इसके पास चार्जेस हैं, तो ये 5 रखेगा, 5 इसके पास चले जाएंगे जब ये आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का एरिया वॉल्यूम सेम है। तो इसके पास चार्ज बचा Q बाई 2 और इसके पास बचा Q बाई 2। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं A को इसके साथ टच करवाऊंगा, तो दोनों ए और सी के पास टोटल चार्ज की तरह है, इसके पास पड़ा है क्यू बाई टू और इसके पास क्यू, तो टोटल चार्ज हुआ दैट इज 3Q/2 और ये टोटल चार्ज 3Q/2 फिर से हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये बन जाएगा 3Q/4, ठीक है। तो इसके पास चार्ज आएगा 3Q/4 और इसके पास भी चार्ज आ जाएगा 3Q/4। तो फोर्स अब इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स एफ ना होकर कुछ और बन जाएगी, एफ डैश बन जाएगी फोर्स। तो एफ और एफ डैश के बीच में हम लोगों को रिलेशन डेवलप करना है। तो एफ डैश कितना होगा, दैट इज के प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दैट इज क्यू बाई टू देन 3Q/4 ओवर डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। ये आप लोगों को सेपरेशन का कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है, इट मीन्स आर ही आप लोग ले लीजिए। तो ये बन गया दैट इज के एंड दिस इज 3Q/Q² ओवर 8R², ठीक है, दैट इज 3Q² ओवर 8R², ये बन गया 3K³ ओवर 8R². तो ये बन गई आप लोगों की एफ डैश की वैल्यू, 3/8K³² / R², ठीक है। अब जब स्टार्टिंग में जब मैंने इन दोनों को कॉन्टेक्ट में नहीं लेकर आए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो इसके पास चार्ज था Q और इसके पास भी चार्ज था Q और रिपल्सिव फोर्स थी F, तो कितनी F की वैल्यू कितनी थी उस टाइम, कितनी वैल्यू होगी ना, तो उस टाइम F होगा K Q into Q, that is Q square,
ओवर आर स्क्वायर। सो अगर मेरे को एफ डैश और एफ के बीच में रिलेशन डेवलप करना हो, एफ डैश वो फोर्स है जब मैं ए को कॉन्टैक्ट करता था, बी से कॉन्टैक्ट किया, तो ए को सी से कॉन्टैक्ट किया, फिर जो फोर्स बनी वो थी। लेकिन एफ है विदाउट कॉन्टैक्ट किए हुए जो फोर्स थी। तो क्वेश्चन में बोला गया कि इन दोनों का आप लोग रिलेशन डेवलप करें, एफ डैश और एफ का। तो रिलेशन क्या होगा, इधर से देखिए आप लोग कि जो एफ डैश है दैट विल बी इक्वल टू 3/8 के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज वैल्यू ऑफ एफ। तो एफ डैश की वैल्यू बन जाएगी 3/8 टाइम्स ऑफ एफ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस सारे क्लियर हुए होंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो आप लोग जरूर इनको देखें, इनका पैटर्न समझें, इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, स्टेट लेवल के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जेई नीट जो भी आप लोग एग्ज़ाम आगे फिल करोगे। थैंक यू सो मच।